दोस्तों फोटो स्टूडियो के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है फोटो एडिटिंग। यहाँ दोस्तों फोटो एडिटिंग को आप लोग जब ध्यान से करेंगे तो फोटो एडिटिंग करने के बाद जो फोटो आपका प्रिंट होगा वो बहुत ही अच्छा प्रिंट होगा। अगर फोटो एडिटिंग ही अच्छी नहीं है तो फोटो प्रिंट अच्छा कहाँ से होगा। फोटो एडिटिंग को परफेक्ट बनाता है आपका लैपटॉप या आपका पीसी। उसके साथ साथ आपका जो अगर आप पीसी पे काम करते हैं, अधिकतर फोटो स्टूडियोज में आप पीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप पीसी पे काम करते हैं तो जरूरी है माउस का अच्छा होना। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही सस्ते दाम में एक अच्छा माउस जिससे आप फोटो एडिटिंग बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी जब आप कर्सर को या फोटो को क्रॉप करते हैं तो आपका माउस आपका जो स्क्रीन है उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको हम आज दिखाने वाले हैं एक ऐसा माउस जो कि बहुत ही कमाल का है, आप बेहद अच्छी तरीके से उससे एडिटिंग करने में आपको सहूलियत होगी। तो फोटो को एडिटिंग करने में मेन जो चीज़ है वो माउस इसलिए है क्योंकि पीसी पे आप माउस के बिना काम नहीं कर सकते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक बढ़िया ब्रांडेड माउस को रिव्यू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसकी खासियत। नमस्कार दोस्तों, पीसी आपके सामने ये डेल का जो माउस है ऑप्टिकल माउस, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर डेल कंपनी है और यहाँ पर ऑप्टिकल माउस है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स के ऊपर हम अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आपको ये डेल का लोगो दिख जाता है, ऑप्टिकल माउस यहाँ पर, और यहाँ पर माउस का जो डिज़ाइन है वो दिख जाता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये आपको 3 ईयर वारंटी यानी 3 साल की वारंटी मिल जाती है। ओरिजिनलिटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल का लोगो यानी होलोग्राम के सहित लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ देखना किसी ओरिजिनल चीज़ को लेने वक्त, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक USB कनेक्टेड है, यानी एक वायर माउस है, यानी कि वायरलेस माउस ये नहीं है। मॉडल नंबर जो इसका है MS116, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इसके दिए हुए हैं, कुछ इसके मॉडल वगैरह दिए हुए हैं इस पर। यहाँ पर आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाता है ₹650 इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो इसको इस प्राइस इसका जो एक्चुअल प्राइस है यानी आपको कहाँ से किस रेट में मिलने वाला है ये हम बात करेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, यानी UPC है और जो MFG इसकी September 2020 यानी बना हुआ, तो ये बहुत पुराना है, मेड इन चाइना यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, हालांकि ये पहले से अनबॉक्स करने की कोशिश की गई है। और तो चलिए कर देते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि इसमें किस तरीके का हमारा माउस होने वाला है, ठीक है। इसका ट्रायल जो टेक्स्ट है वो मैं शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा कि इसका ट्रायल टेक्स्ट आपको कैसा लगने वाला है। तो अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। पहले हम ये बहुत निकालते थे, तो ये यहाँ पर अभी ग्लू से चिपका हुआ है, तो ये नहीं निकल पाएगा। उसके बाद ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ पेपर्स वर्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पेपर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए आप चाहें अगर तो इसका यूज कर सकते हैं, वरना आप इसको समेट कर साइड में रख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकलता है जिसके ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेल की जो लोगो है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेल का लोगो यहाँ पर दिया गया है और इस बॉक्स के ऊपर भी इसका यही UPC वगैरह, और इस बॉक्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको UPC वगैरह मिल जाता है, MFG डेट वगैरह, यानी इसका कनेक्शन है आपके यहाँ से, ठीक है। इसका कनेक्शन कुछ यहाँ से होने वाला है कि इसकी वारंटी वगैरह को चेक करने के लिए। उसके बाद चलिए हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं। तो इस साइड से ये अनबॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर माउस अपना देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर माउस है, बहुत ही प्यारी सी पैकिंग है और उसका लुक भी अच्छा है। तो चलिए इन सभी को साइड करते हैं। अब आपको हम जो माउस है उसको ओपन करके दिखाते हैं, हालांकि ये ओपन किया जा चुका है पहले से ही, ठीक है। अभी ये पन्नी भी हम रख देते हैं साइड में। ये है जो माउस का डिज़ाइन है, यहाँ पर आप बैक साइड में भी देख सकते हैं डेल का दिया गया है। यहाँ पर सारे जो इसके ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दिए गए हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसका वायर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। और ये रहा आज का आपका जो माउस है वो। तो जो इसकी वॉइस है
बहुत प्यारी है। चलिए इसका एक बार हम व्यू आपको दिखा देते हैं फिर से। पसंद आया होगा इस बजट में, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से बाय कर सकते हैं और आप अपने मार्केट में भी इसको पता कर सकते हैं, इसका प्राइस पता कर सकते हैं। आपको बेहद सस्ता मिल जाएगा और बेहद इंटरेस्टिंग माउस है ये। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस चैनल पर एक गिव अवे होने वाला है जो कि सभी फोटो स्टूडियो के लिए, सभी जन सेवा केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनके पास प्रिंटर है उनके लिए बेहद जरूरी है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखना, गिव अवे अनाउंस जल्द होने वाला है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मसालेदार टॉपिक के साथ, फोटो स्टूडियो से जुड़े, जन सेवा केंद्र से जुड़े नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।